नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर रेलखंड का दोहरीकरण का तस्वीर है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर के बीच में दोहरीकरण का काम चल रहा है, वहीं वाल्मीकि नगर और गोरखपुर के बीच में अभी सिंगल लाइन है। तो एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया था कि वाल्मीकि नगर और गोरखपुर के बीच में दोहरीकरण अगर नहीं होता है तो फिर मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर के बीच में दोहरीकरण करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो उनका कहना सही था। और इस पर हमने जो है काफ़ी ट्वीट भी किया है रेलवे को, तो आज जो है इसके बारे में रेलवे ने एक नई जानकारी दी है कि वाल्मीकि नगर और गोरखपुर के बीच में दोहरीकरण का जो है काम जल्द शुरू किया जाएगा। तो आपने सही सुना कि अब जो है वाल्मीकि नगर और गोरखपुर के बीच में दोहरीकरण की जो है मंजूरी मिल चुकी है और काम बहुत जल्द लगने वाला। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो वाल्मीकि नगर और गोरखपुर के बीच की जो दूरी है वो 95 किलोमीटर है और केवल एक लाइन है, और इससे जो है माल ढुलाई की जो है समस्या बनी रहती है। तो इसीलिए जो है अब इसका जो है दोहरीकरण किया जाएगा। इसमें खर्च लगेगा 1120 करोड़ रुपये का जो है खर्च आएगा, और मुजफ्फरपुर से जो है वाल्मीकि नगर के बीच में पहले से दोहरीकरण चल रहा। तो आपको बता दें कि इसको मैप के जरिए आप समझ लीजिए, बगहा वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर के बीच में दोहरीकरण का काम चल रहा है। कई सेक्शन में काम पूरा हो चुका है, लेकिन वहीं वाल्मीकि नगर सिसुआ बाजार घुगली कप्तानगंज और गोरखपुर के बीच में जो है अभी तक काम शुरू नहीं किया गया था, और यह एक बड़ी समस्या बन रही थी कि अगर मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर के बीच में दोहरीकरण हो जाएगा तो फिर भी जो है वाल्मीकि नगर और गोरखपुर के बीच में जो ट्रेनें आएंगी तो उनको जो है परेशानी हो सकती है, क्योंकि सिंगल लाइन इधर है। तो इसी को रेलवे ध्यान में रखते हुए इसका आज जो है अपडेट किया गया है कि इस रेलखंड को जो है गोरखपुर से मुजफ्फरपुर तक जो है पूरी तरह से दोहरीकरण किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर के बीच में जो है कई सेक्शन में काम पूरे हो चुके हैं और कई सेक्शन में हो रहे हैं। तो अब जो है गोरखपुर और वाल्मीकि नगर के बीच में दोहरीकरण का काम शुरू किया जाएगा, और इसको मात्र 2 साल के अंदर में पूरा कर लेना है। तो 95 किलोमीटर जो है दूरी है वाल्मीकि नगर और गोरखपुर के बीच में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदी है गंडक नदी, तो उस पर एक और जो है ब्रिज बनेगा। उसके बाद जो है दोनों लाइन चालू अगर हो जाते हैं तो जो लोड छपरा रूट पर है, जो गोरखपुर छपरा रूट पर जो लोड है, तो उसको कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो रेलवे का महाप्लान है कि फारबिसगंज को सीधे जोड़ना है गोरखपुर को, तो इसके लिए रेलवे जो है काम कर रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा में रेलवे बाईपास बन रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि रेलवे बाईपास बन जाता है तो फारबिसगंज से जो ट्रेनें आएंगी वह सीधा चंपारण के रास्ते गोरखपुर चली जाएंगी। तो रेलवे का एक बड़ा प्लान है, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में चंपारण जो है बहुत विकसित होगा, और इस रेलखंड पर बहुत सी ट्रेनें जो है मिलेंगी। न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली के बीच में सीधे कनेक्टिविटी बन रहा है, और रेलवे का ये महाप्लान जो है एकदम हमको लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत कारगर साबित होगा। तो आपको क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।